ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एसटीएफ और बिसरख पुलिस की एक लाख के नामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाश की पहचान कुलदीप बसी के रूप में हुई है। एसटीएफ एसपी कुलदीप नारायण ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश कुलदीप बसी किसी घटना को अंजाम देने के लिए ग्रेटर नोएडा में आया हुआ है। बिसरख पुलिस और एसटीएफ के द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। पुस्ता के पास मोटरसाइकिल पर जाते हुए जब उसे रोका गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस दौरान बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने उसको घायल अवस्था में पकड़ लिया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान इसका एक और साथी मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी अवैध पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बदमाश की पहचान कुख्यात अपराधी कपिल पुत्र कृपाल बसी थाना खेकड़ा बागपत के रूप में हुई है। इस पर दोहरे हत्या के अभियोग में बागपत ने एक लाख का इनामी घोषित था। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूट जैसे गंभीर घटनाओं में 35 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी योगेश भदौड़ा का शार्प शूटर रहा है। बाद में ये सुनील राठी गैंग से जुड़ गया था। खेकड़ा में रंजिशन दादा पोते को मौत के घाट उतारा। खेकड़ा थाना क्षेत्र के बसी गांव के जंगल में 1 फरवरी 2022 की सुबह दिन दहाड़े दादा पोते की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। वो दोनों खेत में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चीनी मिल जा रहे थे। इसी दौरान दोनों को करीब 15-15 गोलियां मारी गई थी। बसी गांव के किसान सतसिंह और उनका पोता मनदीप उस दिन सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेत से गन्ना लेने गए थे। वहां से गन्ना लेकर लौटते समय गौशाला के समीप उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। दोनों ट्रैक्टर से नीचे भी नहीं उतर सके, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों को करीब 15 गोलियां मारी गई थी। आज दिनांक 1/1/23 को जरिए मुखबिर ये सूचना मिली कि जनपद बागपत के खेकड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बसी का रहने वाला अभियुक्त कपिल एनसीआर क्षेत्र में अपने एक साथी के साथ आ रहा है और एक हत्या करने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ और बिसरख थाने की पुलिस ने मिलकर उसको डेवलप करते हुए उनकी घेराबंदी की और उस घेराबंदी के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस और एसटीएफ ने अपनी जान बचाते हुए क्रॉस फायरिंग की और जिसमें उसको गोली लगी। उसको इलाज के लिए यहां बिसरख पीएससी अस्पताल भिजवाया गया है, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यह अभियुक्त वहां थाना खेकड़ा का बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसके विरुद्ध 35 मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी मेरठ जोन महोदय द्वारा इस पर गिरफ्तारी हेतु 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर की जा रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।